ड्यूडिनम के रिलेशंस थे, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आपके पूरे के पूरे एब्डोमिनल पेल्विस में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके रिलेशंस आपने करना कभी भी नहीं भूलने, ठीक है। एक तो आपने पोर्टल वेन के तीन पार्ट्स के रिलेशंस करना नहीं भूलने, ये नोट कर लें, बाद में मैं नहीं बताऊंगा, अभी नोट कर लें। पोर्टल वेन के रिलेशंस, ड्यूडिनम के रिलेशंस, ठीक है। इसके मैं सिर्फ अभी रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजों की बाउंड्री की बात नहीं कर रहा। यूरिटर के रिलेशंस, ठीक है, और आपकी किडनी के रिलेशंस, ये वाले बच्चे ऐसे रिलेशन है जो कि आपने हर हाल में करने ही करने, ठीक है। अब बच्चे आप लोग ये देखें बेसिकली कि मैंने आपको ड्यूडिनम के पार्ट्स बता दिए, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट के ऊपर ऐसे जो होता है ओवरलैप कर रहा होता है आपका लिवर, ठीक है, और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर भी यहाँ पे आ रहा होता है। इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा एनहेंस करूं तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपका जजनम वगैरह, यहाँ पे सारी क्वाइल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, इससे ऊपर आपका ये देखें कि आइलियम जो होता है यहाँ पे आके यूनाइट करता है विद द सीकम, और सीकम ऊपर जाती है असेंडिंग कोलॉन और यहाँ पे बन जाता है ट्रांसवर्स कोलॉन और नीचे डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। यानी कि लार्ज गट भी मैंने आपको ये पे बताया, यहाँ पे बता दिया। तो इससे बच्चे क्या मतलब बना आपका कि बेसिकली जो आपका सेकेंड पार्ट होता है इसको ओवरलैप कर रही होती है आपकी ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, फर्स्ट पार्ट को ओवरलैप कर रहा है लिवर और गॉल ब्लैडर, सेकंड पार्ट को ओवरलैप कर रहा होता है आपका ट्रांसवर्स कोलॉन। दूसरी चीज आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे ना पैंक्रियास प्रेजेंट होता है ऐसे करके आपके ड्यूडिनम के हेड के अंदर, और उसकी बॉडी है ये, तो पैंक्रियास के ऊपर एक अटैचमेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं ये मेसेंट्री की अटैचमेंट है, ठीक है। कौन सी मेसेंट्री की? ट्रांसवर्स कोलॉन की एक मेसेंट्री होती है, ठीक है। तो आप लोग ये देखेंगे बच्चे कि सेकंड पार्ट को जो चीज क्रॉस करती है उसके अंदर ट्रांसवर्स कोलॉन इटसेल्फ और साथ आपके पास मेसेंट्री भी आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन और ट्रांसवर्स कोलॉन दोनों सेकंड पार्ट के एंटीरियरली होती हैं। फिर बच्चे अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट के एंटीरियरली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन होती है। जब मैंने आप लोगों को पोर्टल वेन की फॉर्मेशन बताई थी तो मैंने ये वाली बात की थी यहाँ पे बहुत क्लियर कट कि जो आपका पोर्टल वेन होती है वो आपके पैंक्रियास के नेक के बिहाइंड बनती है। कैसे बनती है? यहाँ से स्प्लीनिक वेन आती है, ठीक है, और यहाँ से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन आती है और ये दोनों आपस में यूनाइट करती हैं पैंक्रियास के पोस्टीरियरली और आपकी ये पोर्टल वेन बन जाती है। तो आप ये देखें कि ये बेसिकली ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट है। तो ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट को कौन सी चीज ओवरलैप कर रही है? ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और बिल्कुल इसी के साथ आपकी रन कर रही होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और थर्ड पार्ट के ऊपर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के क्वाइल्स भी पड़े होते हैं। फोर्थ पार्ट जो होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बच्चे रूट ऑफ मेसेंट्री का बिगिनिंग होता है। अब रूट ऑफ मेसेंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? मैंने आप लोगों को कल पेरिटोनियम के लेक्चर में भी बताई थी ये वाली बातें, अभी भी बताने लगा हूँ। आप लोगों की डायग्राम को थोड़ा सा मैं अनडू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीजें जो यहाँ पे अब समझानी है वो आप लोगों को क्लियर कर दूं। बच्चे सबसे पहले आपके माइंड में ये वाली बात होनी चाहिए कि जो आपकी मेसेंट्री होती है, आपकी एब्डोमेन में तीन चीजें हैं, मेसेंट्री, ओमेंटम और पेरिटोनियम। ये तीनों की तीनों बच्चे मेसोथेलियम से बनी हुई हैं। आपको पता है ना एपिथेलियम की तीन टाइप्स होती हैं, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम और एपिथेलियम इटसेल्फ। तो मेसोथेलियम जो है बच्चे बेसिकली इससे बनती है आपकी मेसेंट्री। मेसेंट्री होती क्या चीज है? मेसेंट्री बच्चे बेसिकली, आप लोगों ने कभी चाइनीज पंखा देखा है जो कि औरतों के और लड़कों के बच्चों के हाथ में अक्सर होता है? इस तरह का एक फैन होता है जो कि एकदम ऐसे करके खोल जाता है और आप उससे अपने आप को झल सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको कभी गर्मी लग रही हो तो ऐसे पकड़ के आप अपने आप को ऐसे झल सकते हैं। बिल्कुल मेसेंट्री जो होती है वो ऐसी होती है। ये क्या कह दिया मैंने, ऐसी कैसे होती है? अभी मैं आप लोगों को इसको क्लियर करता हूँ बच्चे। होता बेसिकली ये है कि इमेजिन कीजिए कि ये आपकी यहाँ पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में आप लोग, ये आप लोग समझे कि मैं ह्यूमन बीइंग का कट सेक्शन दिखा रहा हूँ, लेटरल सेक्शन। एक बंदे को मैंने गर्दन से लेके ऐसे काटा और अब मैं आपको उसका पेट का लेटरल सेक्शन दिखा रहा हूँ। ये होगी बच्चे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे एक इस तरह का एक बंडल लगा हुआ है जो आगे जाके ऐसे जाके फूल जाता है, ठीक है, ऐसे। ये है आपकी मेसेंट्री। बेसिकली बताने का आपको पर्पस ये है कि मेसेंट्री का जो अटैच्ड एंड होता है, ये वाला अटैच्ड एंड जो होता है ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे लगा होता है, और जो इसका ये वाला फ्री एंड होता है इसके साथ बच्चे बेसिकली आपका पूरे का पूरा गट सस्पेंडेड होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन सस्पेंडेड होती है, ठीक है। इसके एंड पे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके अटैच होती है। अब आप लोग ये देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस लिहाज से दो बॉर्डर हो गए, जिस जगह पे मेसेंट्री अटैच है तो वो वाला बॉर्डर, यानी कि ये वाला बॉर्डर आपका क्या कहलाएगा, मेसेंटेरिक बॉर्डर, और जो इसके ऑपोजिट बॉर्डर है ये वाला, ये फ्री है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर, ठीक है। अब आपने बच्चे याद रखनी है, आप सब बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको इमेजिन ऐसे करें कि अपने रजिस्टर पकड़ें, रजिस्टर में से एक बड़ा पेज फाड़ें, वो जो बड़ा पेज फाड़ेंगे ना तो उसको आप लोग, फॉर एग्जांपल ये आपका बड़ा पेज है, ठीक है, रजिस्टर का एक पेज है, इस जगह पे इस पॉइंट पे रजिस्टर के पेज को आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर लें तो आपका वो चाइनीज पंखा बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह। और ये वाला जो एंड होगा इस पेज का, ये खुला रहेगा, ठीक है, इस वाले एंड को आपने कुछ नहीं करना। जब आपको इस तरह फ्लिप 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 ऐसे करके इस पेज को फोल्ड करेंगे तो इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी, ये और ये ऐसे अपीयर होगा। तो मेसेंट्री आपकी बिल्कुल ऐसे होती है कि जो इसकी रूट होती है वो बिल्कुल अटैच्ड होती है, ठीक है, और जो इसका आगे वाला एंड होता है उसके साथ गट अटैच्ड होता है। तो बेसिकली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तो इतनी बड़ी है, वहां पे मेसेंट्री की अटैचमेंट कहाँ पे होती है, एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होता है, ये समझाने के लिए आपको यह बताना जरूरी है कि नीचे आपकी एग्जिस्ट करती है सैक्रम की बोन, और सैक्रम की बोन यहाँ पे आर्टिकुलेट कर रही होती है हिप बोन के साथ, हिप बोन की आइलियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो आपका ये वाला ज्वाइंट बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैक्रो आइलियक ज्वाइंट, ठीक है। तो आपकी जो मेसेंट्री की अटैचमेंट होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, यहाँ पे तो मैंने बोर्ड के ऊपर विसरा बनाए हुए हैं ना डिफरेंट, आप इमेजिन कीजिए ये सारे विसरा नहीं है, ये सब अभी नहीं है, ठीक है। मैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल अगर आपको दिखाऊं तो वो ऐसी अपेयर होती है, ये आपका पॉइंट है बच्चे ड्यूडेनो जेजनल फ्लेक्चर, ठीक है। ड्यूडेनो जेजनल फ्लेक्चर से मेसेंट्री स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड पे और जाके एंड होती है राइट साइड पे, राइट साइड के सैक्रोइलिक ज्वाइंट पे। ये आपके मेसेंट्री की ये वाली अटैचमेंट है जिसका मैं पीछे वाला जिक्र कर रहा था, बस इतनी सी मेसेंट्री की अटैचमेंट होती है। लेकिन जो मेसेंट्री का आगे वाला पार्ट है जिसका गट अटैच होता है वो 6-7 मीटर लंबा होता है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे का पूरा गट जो है वो 6-7 मीटर जो है वो लंबा होता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया डिटेल में बच्चे, मैंने आप लोगों को ड्यूडेनम करा दिया। उसके बाद आ जाओ जेजनम पे और आइलियम पे। तो सबसे पहले बच्चे जेजनम और आइलियम में ये समझने की बात है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बंदा है, ये इसकी टांगे हैं, ये इसका पेट है, ये ऊपर डायफ्राम है, ठीक है, ये अम्बिलिकस है। तो आप ये देखें ये बॉडी की लेफ्ट साइड है, ये बॉडी का राइट साइड है। जो जेजनम होती है ना बच्चे, ये यूजुअली लोअर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट से मुराद ये है कि ये वाला पार्ट जेजनम का है, ये वाला पार्ट आइलियम का है, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है कि जेजनम लेफ्ट और अपर पार्ट में एग्जिस्ट करती है, और जो आइलियम होती है बच्चे ये राइट साइड के ऊपर इंफीरियर पार्ट में या लोअर पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों की बीडी की एनाटॉमी में बहुत अच्छी इसके अंदर बातें बताई हैं बच्चे, इनके एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं वो कोई ऐसे रिमार्केबल नहीं होते, और ना आपने जेजनम और आइलियम के किसी किस्म के कोई रिलेशंस करने हैं, बस आपको सिर्फ इसके अंदर एक चीज कुछ डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, आपकी बुक में वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, सिर्फ मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज के जो जेजनम होती है और आइलियम होती है इनका कलर कैसा होता है, जेजनम जो होती है बच्चे ये रिच होती है ब्लड सप्लाई के अंदर और ये लेस रिच होती है, ठीक है। तो जेजनम के अंदर मेजर अब्सॉर्प्शन होती है फूड की, तो जेजनम जो होती है ये डीप रेड कलर की अपेयर होती है, जबकि ये पिंक कलर की अपेयर होती है। अगर इनके डायामीटर की बात की जाए, इंटरनल जो इनका डायामीटर होता है वो तकरीबन होता है जेजनम का 2-4 सेंटीमीटर और आइलियम का 2-3 सेंटीमीटर। अगर बच्चे वॉल की थिकनेस की बात की जाए, वॉल की थिकनेस, तो जेजनम की वॉल थिक होती है और हैवी होती है और आइलियम की थिन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे अगर नेक्स्ट फीचर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ और लिखूँ, एक सेकेंड देखिएगा जी, अच्छा नेक्स्ट फीचर बच्चे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जेजनम और आइलियम के, तो वो बनते हैं वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले नोट कर लीजिए। वास्कुलरिटी जो होती है बच्चे वो जेजनम की ज्यादा है, आइलियम की, मतलब जेजनम की ज्यादा मैं इस तरह शो कर देता हूँ और आइलियम की कम है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर आप बात करें वेजा रेक्टा की, तो जो वेजा रेक्टा होते हैं वो लॉन्ग होते हैं जेजनम में और आइलियम के अंदर शॉर्ट होते हैं। आर्केड्स जो होते हैं बच्चे उनकी कम लूप्स होती हैं, ठीक है, लूप्स फ्यू आप लोग ये लिखें, और आइलियम के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको सब समझाता हूँ, सिर्फ पहले नोट करते जाएं।
उसके बाद है फैट कंटेंट कितना होता है मेसेंट्री में जेजुनम और आइलियम की। जेजुनम की आइलियम के अंदर, ये मैं जेजुनम की मेसेंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जेजुनम की मेसेंट्री के अंदर फैट जो होता है वो कम होता है, आइलियम वाली में ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए जो सर्कुलर फोल्ड्स थी, प्लाइका सर्कुलरिस जो मैंने आपको बताई थी, प्लाइके जो बताए थे वाल्व्स ऑफ कैकरिंग, तो ये लार्ज होते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी इंटेस्टाइन है, यहाँ पे एक प्लाइका है, यहाँ पे दूसरा, इनके अंदर डिस्टेंस कम होता है, ठीक है, दे आर क्लोज टूगेदर इन जेजुनम, लेकिन आइलियम के अंदर ये लो होते हैं, स्मॉल होते हैं और दूर दूर होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, और नंबर में भी कम होते हैं। और अगर लिम्फाइड नोड्यूल्स की बात की जाए, लिम्फ नोड्यूल्स की, तो जेजुनम के अंदर फ्यू होते हैं और आइलियम के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि अभी तक आपने एक ही चीज पढ़ी है, दो चीजें ऐसी पढ़ी, तीन चीजें ऐसी पढ़ी है जो कि आइलियम में बहुत ज्यादा है। कौन कौन सी? एक तो मेसेंट्री की फैट, दूसरा लूप्स की आर्केड, आर्केड की जो लूप्स होती हैं वो, और तीसरी चीज आपने पढ़ी है लिम्फॉइड नोड्यूल। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये बेसिकली आर्केड, आर्केड क्या होता है जो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये देखिए बच्चे के, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है, ठीक है, ये मेसेंट्री के थ्रू ऐसे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच है, ठीक है। अब ये जो सारा पोर्शन है आपका, ये सारी मेसेंट्री है। आपसे कभी भी कोई पूछे कि मेसेंट्री के कॉन्टैक्ट्स बताओ, तो आपने कहना है लिम्फेटिक्स, कैपिलरी आर्टरीज छोटी छोटी, इसके अलावा वेन्स, इसके अलावा नर्व सप्लाई और एरियोलर टिश्यू। ये सारे के सारे कॉन्टेंट्स आपके पेरिटोनियम के चैप्टर में मेसेंट्री की हेडिंग में दिए हुए हैं। मेसेंट्री का टॉपिक पेरिटोनियम में दिया, वहां से रीड कर लेना। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एरियोलर टिश्यू क्या होता है। एरियोलर टिश्यू बच्चे बेसिकली हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं, जिसके अंदर थोड़े थोड़े फैटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैं फैटी सेल्स की बात कर रहा हूँ। अब ये देखें बच्चे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके मेसेंट्री होती है तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, मैंने कहा ना ये, तो आपको मैं यहाँ पे दो तरह की मेसेंट्री शो करता हूँ, जेजुनम की और आइलियम के। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं तो मैं उनके आर्केड शो करता हूँ, ठीक है, कि आर्केड्स अपीयर होते कैसे हैं बेसिकली। बच्चों जेजुनम के आर्केड्स इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो जेजुनल ब्रांचेस हैं वो आती हैं ऐसे, ऐसे वो ब्रांच देती हैं, ठीक है, फिर उनकी फर्दर टू ऐसे ब्रांचेस बनती हैं, फिर यहाँ वाले की भी टू बनती हैं, फिर यहाँ वाले की फर्दर टू बनती हैं, फिर यहाँ वाले की फर्दर टू बनती हैं ऐसे। तो इनके आर्केड्स जो हैं देखें वो लंबे लंबे हैं, ठीक है, लेकिन आइलियम में क्या है, आइलियम में आर्केड्स छोटे हैं और आर्केड्स की जो ब्रांचेज हैं, लूप्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये देखो ठीक है, ये वाली बात मेरी समझ आई आपको कि मैंने क्या ड्रॉ करने की कोशिश की है। आर्केड मैंने थोड़े से डिफरेंट ड्रॉ किया आपकी बुक में, ऐसे ड्रॉन है, ठीक है, ऐसे करके, तो आप लोग बेशक ऐसे शो कर दें, वैसे शो कर दें, कोई इतने ये रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ये आर्केड्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंक्लूड होता है। आज मैंने देखे आप लोगों को कौन कौन से, मतलब बेसिकली मैंने आपको दो चैप्टर कवर करवाए हैं, एसोफेगस स्टमिक, साथ ही साथ आपको ड्यूडेनम और जेजुनम आइलियम कराया। अब हमारा बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन रहता है और अब्डोमेन के डिफरेंट विसरा रहते हैं, पेल्विक के विसरा की बात नहीं कर रहा, किडनी उसकी बात नहीं कर रहा, यानी कि आपका रहता है स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर और साथ ही साथ लार्ज इंटेस्टाइन। ये अब हम लोग बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।